एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपका फोन। मेरा फोन? अब क्या सोच रही हो मैडम, ये फोन आपका ही है ना? हाँ हाँ, ये मेरा ही फोन है। थैंक यू सो मच मुझे लौटाने के लिए, मैं वहां भूल गई थी। मैडम जरा ध्यान से रखा करो फोन, इतनी महंगी चीजों को कोई ऐसे भी कहीं छोड़ता है क्या? अगर किसी और के हाथ लग जाता तो आपका लाखों का नुकसान हो जाता। आजकल दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते जो लोगों की चीज लौटाने में दिल रखते, वरना महंगी चीज देखकर तो लोगों की नीयत खराब हो जाती है। थैंक यू सो मच भैया। ओके मैडम। सर, जैसा आपने कहा था आपका काम वैसा हो गया है। उसे तुम पे शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं सर, मैंने आपका काम बहुत अच्छे से किया है। गुड, इसीलिए खास काम के लिए मैंने तुम्हें रखा है। अब तुम जा सकते हो। और हाँ, जाने से पहले अपना इनाम लेते जाना टेबल पे। थैंक यू सर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। कोई भी काम कभी भी हो आप बस याद कर लीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। बिल्कुल। वाह, इतनी महंगी फोन और वो भी आईफोन। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। अभी मैं अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी और उन्हें जलाऊंगी। अरे ये क्या, किसी का कॉल आ रहा है। क्या करूं, एक काम करती हूँ, रिसीव कर लेती हूँ। हेलो। हेलो पिंकी जी, तो कैसा लगा आपको नया आईफोन? ये मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे अब तो नाराज हो गई, अपने चाहने वालों से कोई इस तरह नाराज होता है भला? अच्छा ठीक है, अगर आपको गिफ्ट नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी, आप उसको फेंक दो या फिर किसी और को दे दो, लेकिन ये फोन सिर्फ आपके लिए। देखो, मुझे जहां से ये आईफोन मिला था मैं वही वापस पहुंचा दूंगी। मुझे किसी अनजान से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये खास फोन सिर्फ आपके लिए है। और मेरे बारे में जानने के लिए ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, हमारा मुलाकात जल्दी होगी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, मैं क्या करूं, इतना महंगा फोन वापस लेने का मन भी नहीं कर रहा है। क्या करूं मैं, अभी टोल बिल बच रहा है, सब कौन आया होगा। कोई भी नहीं है। ये क्या, पार्सल? इसमें तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है, कौन हो सकता है? एक काम करती हूँ, खोल कर देखती हूँ। कौन हो सकता है? वाओ, इतनी अच्छी ड्रेस, ये तो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। हेलो। हेलो पिंकी जी, तो गिफ्ट्स पसंद आया आपको? जी, पहले आप ये बताइए कि आप हो कौन और आप मुझे ये सब गिफ्ट्स क्यों भेज रहे हो? मैं कौन हूँ ये भी पता चल जाएगा आपको, और रही बात गिफ्ट्स की, तो गिफ्ट्स की कीमत नहीं देखी जाती। और वो आपके सामने तो कुछ भी नहीं। पर मुझे ये जानना है कि जो इंसान मुझ पर इतना मेहरबान है और मुझे इतना महंगा गिफ्ट भेज रहा है वो है कौन? मेरे मन में आपके लिए बहुत सारे सवाल है। ऐसे भी कौन से सवाल है जिसे जानने के लिए आप इतना बेताब हो? देखिए, आप मैरिड तो हो नहीं, मुझे बस इतना जानना है कि आप मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, घबराओ नहीं, ना ही मैं मैरिड हूँ और ना ही मैं आपके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। और आप मेरे बारे में जानने के लिए इतना बेताब हो रही हो तो ठीक है, कल हम मिलते हैं एक शानदार कैंडल लाइट डिनर पे, ठीक शाम 7 बजे। गाड़ी आपके घर के नीचे पहुंच जाएगी। अरे नहीं नहीं, प्लीज गाड़ी मत भेजिएगा, हम शाम को सिटी कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलते हैं। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, वही मिलते हैं। जी। Thank you.
कर रहे हो और तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठ गए? देखो मैं यहाँ किसी और से मिलने के लिए आई थी, प्लीज उसने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज। पिंकी रिलैक्स, पहले बैठो, बैठ के बात करते, बैठो। मैंने ही तुम्हें कॉल किया था, टेंशन मत लो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं और ना ही मैं कुछ गलत करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। पिंकी मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। क्या तुम 2 मिनट फोन साइड में रख के मेरी बात सुनोगी? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? पिंकी आई लाइक यू। हम बचपन के दोस्त हैं, हम एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा। What? शादी? और वो भी तुमसे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुझे मैं दोस्त मानती हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। अपना शक्ल कभी आईने में जाकर देख लिया कर। तुझ जैसे गरीब से मैं शादी करूंगी? जाके अपना शक्ल आईने में देख लिया कर। सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। आज मैं गरीब हूँ लेकिन मैं मेहनत करके जरूर कामयाब बनूंगा और मैं तुम्हारे हर मुराद को पूरा करूंगा। अपने औकात में रहकर सपना देख, औकात से बाहर सपना नहीं देखना चाहिए, समझा? निकल यहाँ से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसका मतलब कॉल पर वो तुम ही थे? हाँ। पिंकी तुम किसी का दिल नहीं बल्कि उसका स्टेटस और उसका बैंक बैलेंस देख के उसे जज करती हो। ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, हर लड़की का सपना होता है अपने पार्टनर को लेके। तुम मुझे छोड़ के कुछ गलत नहीं की, लेकिन आज देखो, आज मैं कितना कामयाब हूं। अगर तुम किसी चीज पे हाथ रख दो वो चीज मैं उसी वक्त खरीद के तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के कपड़े और स्टेटस से उसे जज नहीं करता हूँ। देखो आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैंने उस वक्त सही नहीं किया था और मुझे ये फोन भी नहीं लेना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूँ, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि ये गलती फिर दोबारा ना हो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकता था। और रही बात गिफ्ट की और ये फोन की, तो ये तुम्हारे लिए, इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अरे लेकिन सुनो तो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो।